नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्नाव रेप केस की पीड़िता के परिवार के लिए 25 लाख रुपए का मुआवजा जारी कर दिया है। उन्नाव जिलाधिकारी ने चेक जिलाधिकारी लखनऊ को भेज दिया। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को पीड़िता को 24 घंटे में 25 लाख रुपए देने का आदेश दिया था। उन्नाव रेप केस के सारे मामले दिल्ली ट्रांसफर कर दिए गए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई 7 दिनों के भीतर ही उन्नाव रेप पीड़िता के साथ हुए एक्सीडेंट की जांच पूरी करे। सुप्रीम कोर्ट में आज उन्नाव मामले की सुनवाई में सर्वोच्च अदालत ने ये आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के परिवार को सीआरपीएफ की सुरक्षा देने का आदेश दिया है। साथ ही वकील को भी सुरक्षा मुहैया कराए जाने को कहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पीड़िता को कोई शिकायत हो तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट आ सकती है। अगर वो चाहे तो वो पीड़िता को इलाज के लिए लखनऊ से दिल्ली एम्स में शिफ्ट कर सकते हैं। राज्यसभा से पास हुआ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 2019। विपक्ष ने इस विधेयक को चिकित्सकों के अधिकारों को कम करने वाला बताकर विरोध किया। इससे पहले 19 जुलाई को लोकसभा से पास हो चुका है बिल। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों के लिए किया बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि अब 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले लोगों को कोई भी बिल नहीं देना पड़ेगा। वहीं 201 से 400 यूनिट तक लगभग 50% सब्सिडी दी जाएगी। कर्नाटक के 14 अयोग्य बागी विधायकों ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख। इन 14 बागी विधायकों को कर्नाटक विधानसभा के तत्कालीन स्पीकर केआर रमेश ने अयोग्य घोषित कर दिया था। कांग्रेस के 11, जेडीएस के 3 विधायकों ने अपनी पार्टी से बगावत करते हुए विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद तत्कालीन स्पीकर रमेश कुमार ने काफी लंबे समय के बाद पहले 3 और बाद में बाकी सभी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया था। अयोध्या मामले पर बने मध्यस्थता पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को आज अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज FMI कलीफुल्ला की अध्यक्षता वाले मध्यस्थता पैनल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त तक अंतरिम रिपोर्ट सौंपने को कहा था। अब इस पर शुक्रवार को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। पाकिस्तान कुलभूषण को कौंसिलर एक्सेस देने को तैयार हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया की खबरों के मुताबिक शुक्रवार को पाकिस्तान कुलभूषण यादव को एक्सेस देगा। मालदीव के उपराष्ट्रपति अहमद अदीब को भारतीय एजेंसियों ने अवैध रूप से भारत में दाखिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब को तूतीकोरिन बंदरगाह से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वह भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 463 अंक गिरकर 37,018.32 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 105 अंक गिरकर 10,980 पर बंद हुआ। दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति की जुलाई महीने की सेल में आई है भारी गिरावट। महीने में कंपनी ने केवल 1.09 लाख यूनिट ही बेची, जो पिछले 2 सालों में सबसे कम है। और अगर पिछले साल से तुलना करें तो कंपनी की सेल में 33.4% की कमी आई है। थाईलैंड ओपन से बाहर हुई साइना नेहवाल। जापान की 17 साल की साइका ताकाशाही ने साइना नेहवाल को 21-16, 11-21, 14-21 से दी मात। वहीं भारत के किदांबी श्रीकांत को भी दूसरे राउंड में थाईलैंड के खोसित प्रतिस्पर्धा ने 21-11, 16-21, 12-21 से मात दी। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी करेंगे 13 साल बाद बॉलीवुड में वापसी। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने कमबैक फिल्म का नाम अनाउंस किया है। शिल्पा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पेपर कटिंग शेयर करते हुए इस बात की पुष्टि की कि वे फिल्म निकम्मा से कमबैक करने जा रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने 11 साल बाद पति साहिल सांगा से अलग होने का फैसला लिया है। दिया ने सोशल मीडिया पर आपसी सहमति से एक नोट लिखकर इस बात की जानकारी दी। दिया मिर्जा ने लिखा कि 11 साल एक दूसरे के साथ रहने के बाद हम दोनों ने अलग होना तय किया है, हम आगे दोस्त रहेंगे। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।